तुझे खीर बहुत पसंद है ना, एक बार चला गया तो तुझे खीर कौन खिलाएगा? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कटे हो तुम दोनों। माँ बापू माँ आज के दौर में जहां बड़े से बड़े रिश्ते फीके पड़ने लगे, जहां रिश्तों की कद्र और बड़ों की अहमियत कम हो रही है, वहीं राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बेटा अपने खोए हुए माता पिता को ढूंढ रहा था। कहां गए थे उसके माता पिता? क्या वजह थी जो वो इस कदर परेशान था? और उस दिन केशव ने पहाड़ी में ऐसा क्या देख लिया था जिसे देखकर वो सन्न रह गया? कौन से गांव से हैं आप लोग? सर हम भीनमाल से हैं। ये केशव है, इसके सारे परिवार वाले भीनमाल से ही हैं, पर अब इसके माँ बाप लापता हैं। लापता? कब से लापता है? ये तो मैंने भी नहीं मालूम साहब, मैं तो 6 साल से अठे था ही नहीं। बम्बई में रिक्शा चलाता हूँ और जब 6 साल बाद वापस लौटा तो रेती मंगवाई थी, उसका क्या हुआ? चला जाएगा मैम। पक्का? एकदम पक्का। ध्यान रखना। घड़ी कम्मा सरला दीदी। कम्मा घड़ी, कैसे हो केशव? आ गए मुंबई से? अरे मुझे तो लगा था कि तुम शादी करके ही वापस आओगे। आप भी ना दीदी, बिल्कुल भी नहीं बदली। कैसे हो केशव? मैं बिल्कुल ठीक हूँ विनोद भैया, आप कैसे हो? सब बढ़िया। कब आया मुंबई से? मैं बस अभी चला आ रहा हूँ। चल अच्छा हुआ, ठीक है तो सरला से बात कर, मैं थोड़ा काम देख के आता हूँ। और बता माधव और बाकी के घर वाले कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है दीदी। 2 दिन पहले मिला था मुझे तो, एनजीओ के काम से आजकल शहर में ज्यादा रहना पड़ता है इसलिए यहाँ की खबर नहीं रख पाती। अब गांव में पानी जो लाना है तो शहर के चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे ना। अरे दीदी जितना आप इस गांव के लिए करती हो उतना आजकल कोई किसी के लिए नहीं करता। अभी के लिए बजाऊं फिर आता हूं कभी फुर्सत में आपसे मिलने। ठीक है। अच्छा गुड्डू, गुड्डू तू गुड्डू है ना? अरे इतना बड़ा हो गया है, मैं गया तो जब तू 1 साल का था। कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अरे मैं तेरा काका। आप मेरे काका हो? हाँ। अम्मा, अम्मा देखो काका आए हैं। अम्मा देखो काका आए हैं। अरे केशव अचानक अटे, ना कोई खबर ना कोई संदेश। अरे भाभी साहब मैंने सोचो की जब अपने घर जा रहे हैं तो खोज खबर देने की क्या जरूरत है। अरे केशव अचानक आ गयो, बताया भी नहीं। घड़ी खम्मा भाई साहब, घड़ी खम्मा। खैर जाने दे, वैसे तू कौन सा पूछ के गया था मुझसे? भाभी साहब माँ बाबू जी कहीं नजर नहीं आ रहे, कटे बाहर गए हैं कहीं। तने बताया नहीं केशव ने? अरे माँ बाबू साहब तीरथ पे गए हुए। तीरथ पे? हाँ। कब चले गए तीरथ पे और यूँ अचानक? अरे अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? अरे मतलब क्या बोल के गए, वापस आने को क्या विचार है? देख उन्हें आने में काफी वक्त लग जाएगा, ये बता तू यहाँ कब तक है? मैं तो बस इसी महीने के लिए हूँ। क्यों? अरे कुछ नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि उनको आने में काफी वक्त लग जाएगा, थारे जाने के 20-25 दिन बाद ही आवेंगे वो लोग। अरे भाई साहब पर आपने उन्हें ऐसे जाने ही क्यों दिया? इस उम्र में उनकी देखभाल कौन करेगा? मुझे एक फोन कर दिया होता मैं उन्हें तीरथ करा लाता। देख के सब झूल की बात ना कर मारे से, 5 महीने में एक बार फोन करता है, 6 साल में अब शकल दिखाई है तने। हरिस क्या उम्मीद रखूं है? और तुझे माँ बापू की इतनी चिंता होती ना तो तू यहाँ से कभी जाता ही नहीं। चल केशव फटाफट हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म बाजरा की रोटी और साग बनाऊं। चल भीतर आ फटाफट। राम राम काका। अरे केशव
तू कहता है बम्बई से? आज ही आया हूँ काका। हाँ बैठ। कैसे हो? ठीक हूँ बिल्कुल। और घर में काकी और आपको बेटो मोनू वो दोनों कैसे हैं? बेबी ठीक है, मोनू तो सरपंच के कारखाना में काम करे। अच्छा हाँ। अच्छा काका एक बात बताओ, थे मैंने फोन पे बताया का ही नहीं के माँ और बापू दोनों तीर्थ यात्रा पे निकल गए? वो अरे भाई मैं सोचो कि तू बंबई में तो भी यही काम कर रहा है, दिन भर तो व्यस्त रहे, भागा दौड़ी का मायने तू भी यही परेशान रहे, तो बस ये वास्ते कोनी बताओ, कोई खास बात कोनी? अच्छा कितने वक्त हो गए उनको निकले हुए? वो भाई एक काम कर, कैसा तू घर आना, अगर ग्राहकी का टाइम है। ठीक है काका। सदानंद के जमीन पर उका दोनों बेटाओं को ही अधिकार है, औरतों को जायदाद में हिस्सा ना मिले। ठीक है? खम्मा खड़ी हुकुम, खम्मा खड़ी। जय केशव है, मुंबई से वापस आ गए हो, सोचा आपके पांव छुआ दूं। चल घड़ी खम्मा हुकुम। क्या भी भगोड़े, मैंने तो लागो शहर से हीरो बन के वापस आएगा, थारे बदन पर तो रफू किया कपड़ा है। अब यही रहेगा वापस जाएगा? वापस तो जाना है हुकुम, और वैसे भी मैं अठे अपने माँ बापू से मिलने आया था, और अब वो तो है ना। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है आ जाके सब। हाँ चल। लाओ काका मैं मदद कर दूं? नहीं बेटा, अरे बराबर मैं कर लूंगा। अरे लाओ काका मैं हाथ लगा दूंगा। काका काका हाँ काका, आप तो मुझे बचपन से जानो हो। हाँ बेटा। और आपने मुझे गोद में भी खिलाया है। एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? काहे पूछना चाहे, मारे माँ बापू कटे गया काका, मुझे तो लाग रही हो जैसे ये पूरा पूरा गाँव मारे से झूठ बोल रही हो। आप ही बताओ कहाँ है मेरे माँ बापू? कुछ दिनों पहले गांव में महामारी फैल गई थी, और जितने भी लोग महामारी के शिकार थे ना, उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गांव की भलाई के लिए। क्या? अरे ऐसे कैसे कोई मेरे माँ बापू को गांव से बाहर निकाल सकता है? इस उम्र में कहाँ जाएंगे वो? जहाँ तक मुझे पता है गांव के बाहर जो पहाड़ी है ना, वो उसके पास रुके थे। माँ बापू चल जल्दी चल। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कटे हो तुम दोनों। चल 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 जल्दी। बापू
ये माला तुम्हारी माँ की है। आपने जो देखा होगा उसे देखकर शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। आपके हाथ पैर ठंडे पड़ गए होंगे और आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आज हम आपको एक ऐसे दिल दहला देने वाले केस से रूबरू कराएंगे जहां राजस्थान के एक छोटे से गांव में कुछ लोगों को झोपड़े में बंद करके जिंदा जला दिया गया। आखिर कोई इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है? क्या ऐसा करने वालों के दिल में जरा सी भी दया नहीं बची? आखिर क्यों इन लोगों को जिंदा जला दिया गया? क्या गांव में फैली महामारी ही इस अपराध की वजह थी जो इस कदर बर्बरता से इन गांव वालों को मार दिया गया? क्या इस अपराध के पीछे कोई एक इंसान था या फिर पूरा का पूरा गांव ही इस घृणित अपराध में शामिल था? दीदी, सारे गांव वालों ने हमारे साथ धोखा करा है। हमारे माँ बापों को इन लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया और अब गांव के बाहर वाली उस पहाड़ी में उन सारे लोगों की जली हुई लाशें मैंने देखी। अभी तो यही थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई? मैंने अपनी आंखों से देखा है विनोद भैया। केशव, पक्का तूने ठीक से तो देखा? यही थी सब लाशें? मैंने अपनी आंखों से देखा है विनोद भैया। माँ बापू और भी बहुत सारे जले हुए लोग थे यहाँ। झोपड़ा जला तो है, जरूर कोई बात है। मुझे लगता है पुलिस में खबर करनी चाहिए। सर, केशव का कहना है कि उसने वहाँ कई लाशें देखी, पर जब हम वहाँ गए तो वहाँ जले हुए झोपड़े के सिवा कुछ भी नहीं था। साहब जीते जी मैंने मेरे बाप बापू से किसी ने मिलने नहीं दिया, और अब तुम जब उस जगह पे पहुंचे तो वहां लगभग कितनी लाशें थी? लगभग 10-11। सुंदर सर, फौरन इनके गांव चलते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सर, लेकिन इनका गांव यहां से 60-70 किलोमीटर दूर है। जगह चाहे कितनी भी दूर, कानून हर जगह होना चाहिए। यही जगह है सर, यहीं पे देखा था मैंने। कुछ नहीं मिला है। सुंदर, हमें गांव के लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। इस गांव के 60-70 किलोमीटर के सराउंडिंग में कुछ भी नहीं, इसका मतलब बाकी के लोग भी इसी गांव के होंगे। बात अगर केशव के माँ बाप के मरने की होती तो मामला दुश्मनी का या पारिवारिक हो सकता था, लेकिन एक साथ इतने सारे लोगों के मरने की घटना ये किसी और ही तरफ इशारा करती है। जी साहब। आग? नाना साहब मारो तो उस तरफ कभी जाना ना होगे। मुर्गी किसी ना तो किसी के मुंह से सुनी हुए। माँ बाप की खोज खबर लेने की भी कोशिश नहीं की? नहीं साहब, वो सरपंच जी ने फरमान जारी किया तो। कैसा फरमान? गांव के कुछ लोग अशुद्ध हो गए थे, सबको बीमारी हो गई थी, एक दूसरे को देख लेने से भी बीमारी फैल जाती थी, इसलिए गांव के सरपंच जी ने उन गांव वालों को गांव से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। और ये भी कहा साहब कि अगर उनसे कोई मिलेगा तो उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसलिए साहब हम कभी उधर जाते भी ना थे। ये बात है दरोगा साहब। अरे आप करो, हमारे गांव की तरफ कैसे? अब कुछ ठीक तो है ना? हम अक्सर वहीं दिखाई देते हैं सरपंच साहब जहाँ कुछ ठीक नहीं होता है।
क्या बात कर रहे हो, आज तक तो आप लोग कभी इस गांव में आए नहीं थे, पर सब कुछ ठीक ही चल रहा था क्या? गांव के बाहर एक झोपड़े में केशव ने कुछ लोगों की जली हुई लाशें देखी थी। इससे पहले कि ये किसी को कुछ बताता, किसने उन लाशों को ठिकाने लगा दिया। और अभी अभी हमें ये पता लगा है कि कुछ दिनों पहले आपके हुक्म से कुछ लोगों को इस गाँव से निकाल दिया गया था। हाँ, छुआछूत वाली बीमारी थी उनको, सारा गाँव चपेट में आ रहा था उसके। देखिए, हम सरपंच है इस गांव के, गांव का भला और गांव वालों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, हमारी, इसीलिए हमने फरमान जारी किया था। हुकुम, वो पहाड़ी के पास तो अक्सर वो तांत्रिक ने देखे गए हो, जो 2 साल पहले नरबली वाला मामला में जेल गए हो, और पहाड़ी के पास तो वो कोई घर है, कहीं ये सारे मामले में उसी का तो हाथ नहीं है। ये किस तांत्रिक की बात कर रहे हो तुम? सही बोल रहा है, ये पागल है वो आदमी, हमें तो लगता है कि ये सारा उसी का किया कराया है। जाइए, उसे पकड़िए, इस गांव में आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके पीछे भागिए। तांत्रिक है, तंत्र मंत्र के लिए बलि तो चढ़े हैं। सुंदर, ये तांत्रिक जहाँ भी दिखाई दे इसे पकड़ के पुलिस स्टेशन लेकर आओ। बीमारी की वजह से बेचारे गांव वालों को गांव से बाहर कर दिया गया। गांव में कोई अस्पताल, कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है जिससे इनका इलाज हो सके। आखिर इन लोगों को ऐसी कौन सी बीमारी थी जो एक दूसरे में फैल रही थी, और तांत्रिक ने इतनी सारी लाशों को कब गायब किया होगा? सर, शायद ऐसा हुआ होगा, जब केशव पहली बार वहां पर गया होगा तो उसने उसे वहां देख लिया होगा, और केशव के जाने के बाद तांत्रिक ने सारी लाशों को ठिकाने लगा दिया होगा। एक काम करो, अपने 2 कांस्टेबल्स को इस गांव में छोड़ दो, ये तांत्रिक जरूर किसी और को अपना अगला शिकार बनाने की कोशिश करेगा, और इसकी नरबली वाली फाइल्स भी निकलवाओ, पता करते हैं कि इसने और क्या क्या कारनामे किए हैं। गांव वालों से पूछताछ करने पर ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक जवाब रटा सा दिया गया, और यही बात पुलिस के शक को और गहरा कर रही थी। आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कई गाँव है जहाँ कई किलोमीटर के रेडियस तक कोई कानून व्यवस्था नहीं, और जहाँ कानून व्यवस्था नहीं होती वहाँ लोग अपना कानून बना लेते हैं। पुलिस के लिए फिलहाल इन 12 लाशों का राज सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे सुलझाने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें ये बात बिल्कुल रास नहीं आई थी कि केशव की वजह से गांव में पुलिस का आना हुआ। केशव की दिलेरी की वजह से ही पुलिस को इन लाशों के बारे में पता चल पाया था, लेकिन कहीं इसी दिलेरी की वजह से केशव किसी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाला था? देख केशव, हो सकता है वो लोग कोई और हो, माँ बापू सा कहीं और चले गए हो। काश ऐसा ही हुआ हो भैया। केशव ले बेटा खीर खा, तुझे खीर बहुत पसंद है ना, एक बार चला गया तो तुझे खीर कौन खिलाएगा? अरे माँ, अब तू देखती जा, बहुत जल्दी तुझे और बापू को भी अपने साथ शहर ले जाऊंगा, फिर हम सब वहाँ इकट्ठे रहेंगे।
सर, कल रात से पता नहीं केशव कहाँ चला गया और अभी तक घर भी नहीं लौटा है। क्या साहब, हम दोनों पूरी रात इंतजार करते रहे लेकिन केशव का कोई अता पता नहीं चला। साहब, माधव के भाई केशव को पहचानते हो जो भी मुंबई से आया है? जी हुजूर, केशव को तो मैं पहचानता हूँ। वो कल रात यहीं घूम रहा था पर बड़ा परेशान सा लग रहा था। हुजूर, किस तरफ गया था वो? हुजूर, वो इसी तरफ गया था। ठीक है, तुम जाओ। आखिर इतनी रात को केशव यहाँ क्यों आया होगा? वो भी इस जले हुए झोपड़े के पास, और इसके बाद वो गया कहाँ होगा? सर, कहीं केशव भी तो उस तांत्रिक का शिकार तो नहीं बन गया? कहाँ है सबकी लाशें? बंद! क्या हुआ साहब, क्या बात है? अच्छा, तुझे पता ही नहीं क्या बात है? वो चाकू, उस पे लगा हुआ खून। बेटा, तेरी सारी हिस्ट्री हमारे पास है। पिछले केसों से तू बच गया था मगर इस केस से नहीं बचेगा। बोल, बोल! क्यों मारा केशव को? साहब, मैं क्यों किसी को मारूंगा? और आप किस केशव की बात कर रहे हो? तू इन सब मासूमों की बलि चढ़ा रहा था, और केशव वो है जिसकी बलि तूने कल चढ़ाई। बात को घुमा मत, जल्दी बता, बता मामला क्या है। साहब, वो लड़का जो कल मिला था, तो तूने मारा उन सबको? तू पागल है क्या? ये क्या बोल रहा तू? तूने उन मासूमों की बलि चढ़ा दी जो उस दिन उस झोपड़ी में थे। तू मुझे गलत समझ रहा, मैं इंसानों की बलि नहीं चढ़ाता। अरे तो फिर ये क्या है? ये सब जानवर है। जानवर? हाँ, तुझे यकीन नहीं आता तो मैं एक बोरिया खोल के दिखाता हूँ तुझे। आ, देख। साहब, मैंने केशव को वो सभी जानवर दिखाए थे जिनकी बहन ने बलि चढ़ाई थी, फिर वो वहां से चले गए। तूने बोला और हमने मान लिया? अगर चला गया था तो घर क्यों नहीं पहुंचा? मुझे पता नहीं साहब, मैं आपको वो जगह बता सकता हूँ जहाँ मैंने जानवर काटे थे। थोड़ा वहां से खोदो। सर, यहाँ तो सारे जगहों से गड़े हुए जानवरों की लाशें मिली हैं। जानवर की लाश? वैसे उसके चाकू पे लगे खून की रिपोर्ट भी आ चुकी है, वो खून के निशान भी किसी जानवर के ही थे। सर, अगर तांत्रिक ने कुछ नहीं किया तो फिर इसके पीछे कौन हो सकता है? और केशव कहाँ गया होगा? सुंदर, इसी सवाल की गुत्थी तो सुलझ नहीं रही है। सुनसान इलाके में फैक्ट्री? चौधरी, एक काम करो, इस फैक्ट्री पे ले लो। ए, दरवाजा खोल। क्या भाई, ये फैक्ट्री बनता क्या? साहब, उनसे पूछ लीजिए, वो सुपरवाइजर है। ये
जी बोलिए। ये फैक्ट्री किसकी है? फैक्ट्री तो सरपंच जी की है। किस चीज की फैक्ट्री है और इतनी बदबू क्या आ रही है? आपको जो कुछ ही पूछना है आप सरपंच जी से पूछ लीजिए। सब मेरी गलती है, रिश्तों का मोह समझ ही ना पायो। जिस तरह मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता रहा वैसे ही मेरे माँ बाप मेरे बारे में सोचते रहे। देखो मासा, आप लोग यहाँ रुकोगे तो ये बीमारी सब में फैल जाएगी। वैसे भी गांव वाले सरपंच जी का दरवाजा खटखटाने वाले हैं, और अंदर की बात तो ये है कि सारे रोगियों को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा, वरना कहीं एक बीमारी हम लोगों को ना लग जाए। और आप लोगों के लिए मैं इसे खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तू चिंता मत कर बेटा, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे कहीं दूर। केशव के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने उसका ध्यान रखा होता तो वो मेरे साथ होता। सुंदर, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर माजरा क्या है। पहले इतनी सारी जली हुई लाशें, फिर अचानक से सारी लाशें गायब, और अब वो केशव जिसने आकर हमें सब बताया था वो भी गायब है। सर, गांव से भी कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है, पर गांव के कुछ ही दूरी पर एक फैक्ट्री है जहां पर गांव के अधिकतर लोग काम करते हैं, और ये फैक्ट्री वहां के सरपंच की है। पर मैं जब उस फैक्ट्री में गया था तो वहां से बहुत बदबू आ रही थी, पता नहीं फैक्ट्री में क्या बनाया जा रहा था। शहर से इतनी दूरी पर फैक्ट्री का होना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने क्रॉस चेक किया है, सरपंच इस फैक्ट्री को गैर कानूनी ढंग से चला रहा है। सुंदर, हमें इस फैक्ट्री की छानबीन करनी चाहिए, शायद जिन लोगों की मौत जलने की वजह से हुई वो इसी फैक्ट्री में काम करते हो, और ये बीमारी उन्हें इस फैक्ट्री की वजह से ही हुई। इसका पीछा करो। सुंदर सर, गैर कानूनी फैक्ट्री चलाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। ताला लगेगा तुम्हारी किस्मत पर और इस फैक्ट्री पर। गांव के सभी लोग तुम्हारी फैक्ट्री में काम करते थे, जिनमें केशव के माँ बाप भी शामिल हैं। जाहिर सी बात है, अगर गांव छोड़ देने के बाद भी उनका तुमसे लेना देना है तो उनकी मौत की वजह में भी सिर्फ तुम्हारा ही लेना देना होगा। दरोगा साहब, जो मारो गांव है मारे को यहाँ से लेके जाना इतना आसान ना है। आपको लेके तो जाएंगे ही सरपंच साहब, आज नहीं तो फिर कभी से। चलो सुंदर, स्पेशल फोर्स के लिए एप्लीकेशन भेजो। इन सब मौतों के पीछे सरपंच का ही हाथ है, इसे अरेस्ट करना ही होगा। सर, साहब ये सब मेरी वजह से हुआ साहब, मैंने उनको भेजा था जिसके बाद ये सब। सर, गांव के ऊपर मैंने शुरू से ही सरपंच का दबदबा देखा है, पर वो इस हद तक गिर सकता है ऐसा लगा नहीं था। सर, आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? देखिए, हमारी पुलिस चौकी आपके गांव से 70 किलोमीटर दूर है, और ये ज्यादा बड़ी पुलिस चौकी भी नहीं है। सरपंच के पास जितने लोग हैं उनसे निपटने के लिए हमें और जवानों की जरूरत होगी। हमने स्पेशल फोर्स की मांग की है, वो अप्रूव होते ही हम सरपंच को गांव के बीच से उठा के लाएंगे। और जब से सरपंच को पता चला है कि उसका फांडा फूट चुका है,
उसने गांव के आसपास अपने लोग भी बढ़ा दिए। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। मरने वाले सभी लोगों को टीबी की बीमारी थी और उन सभी लोगों को जिंदा ही जला दिया गया था। क्या जिंदा जला दिया? टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं, ये एक ऐसा रोग है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 12 लाख लोग टीबी से ग्रसित होते हैं और उनमें से मरने वालों का आंकड़ा हर साल लगभग 2.5 लाख के भी ऊपर जा चुका है। ऐसा नहीं है कि इस रोग का इलाज संभव नहीं है। इस रोग का इलाज भारत सरकार द्वारा मुफ्त में किया जाता है, लेकिन कई पिछड़े हुए क्षेत्रों के लोग इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाते। वजह सिर्फ एक ही है, शिक्षा की कमी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि जो 12 शव गांव से बरामद हुए थे, उन सभी को टीबी था और उन्हें बड़ी ही निष्ठुरता से भूखे रखने के बाद जला दिया गया था। पुलिस की तहकीकात का रुख अब एक फैक्ट्री की तरफ मुड़ गया था, जहां माधव के माता पिता काम करते थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वो उस फैक्ट्री में जाकर और जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे क्लू की तलाश में थे जिससे इन निर्मम हत्याओं के राज से पर्दा उठ सके। सर, क्या ये सरपंच इतना बड़ा नेक्सस अकेला हैंडल कर सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई तो जरूर है। ये सब तब पता लगेगा सुंदर, जब सरपंच हमारे हाथ लगेगा। सर, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया थोड़ा अजीब है, पर फोर्स आने के अप्रूवल से पहले ट्राई कर सकते हैं। चलो सरपंच साहब, और बैठ लिया इसी गाड़ी में। अब हमारी गाड़ी में बैठो। दरोगा, ये ठीक नहीं कर रहे तुम। अरे सब ठीक है, चल चल। दरोगा, भूल रहे तो ये हमारा इलाका है। भूल आप रहे सरपंच साहब, आपका इलाका पीछे रह गया। चलो अंदर, चल अंदर, चलो उठो। चलो, अरे तुम जानते नहीं हो। एक तो तू गैर कानूनी फैक्ट्री चला रहा था, ऊपर से तेरे ही डंपिंग ग्राउंड में जली हुई लाशें मिलती हैं और मरने वाले सभी लोग तेरी ही फैक्ट्री में काम करते थे। क्या ये सब? हाँ, मैं मानता हूँ वो फैक्ट्री मेरी है, वो लाशें मेरी जमीन पर मिली थी, लेकिन सब उन सबको महामारी थी। उनको महामारी नहीं थी, टीबी थी उन्हें, जो तेरी ही फैक्ट्री में काम करने की वजह से। क्या ये सब मामला? सर, केशव का पता चल गया है। केशव, केशव, उठाओ उसे। सर, केशव, भाई साहब, मैं तो यहां माँ बापू साहब से मिलने आया था। ये कर्ज के बाद उनका चेहरा देखने वाला था, पर देखो ना ये क्या हो। अब तक पुलिस के हाथ जितने भी सुराग लगे थे, वो किसी भी ठोस नतीजे तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थे, क्योंकि ये पूरा अपराध इतने योजनाबद्ध तरीके से हुआ था कि अपराध की जड़ और कारण दोनों से ही पुलिस अनजान थी। अब भी कई सवाल पुलिस के सामने खड़े थे। केशव के माता पिता समेत उन गांव वालों को किसने जिंदा जलाया था? गांव में महामारी क्यों फैली?
और इस पूरी योजना का सूत्रधार और सरपंच का साझेदार कौन था? इन सारे सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी थे और इसी बीच केशव का पता चल गया और उसने जो बयान दिया उसने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया। उस रात जब मैं फिर से माँ बापों को ढूंढने पहाड़ी पर गया तो वहां मुझे वो तांत्रिक मिला। उसने बताया कि उसने गांव वालों को नहीं मारा। और यही बात जब मैं सरला दीदी को बताने गया तो केशव, अरे रुक रुक जा रुक। ये तो तुरुक का इक्का है विनोद, इसे तो संभाल कर जिंदा रखते हैं। तुझे तो मैंने सबसे साफ सुथरा समझा था, ये क्या कहानी है? इतनी लंबी प्लानिंग, इतना बड़ा सेटअप। सर, 7 साल पहले जब मैं यहाँ आई तो मेरा एक ही मकसद था, इस गांव के पानी की समस्या हल करना और यहाँ के लोगों की भलाई करना। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे तू देवी का दूसरा रूप है। मुद्दे पर आ, कहानी मैं सुना। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा इस गांव के आसपास कुछ भी नहीं है और अगर चलती थी तो सिर्फ एक ही आदमी की, सरपंच की। हाँ, मैं एकदम सीरियस हूँ। इतना सब कुछ करके क्या मिल गया हमें? बस सरकार से एक मेडल। सरपंच से बात करके देखते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। तुम्हारा प्लान क्या है? ये ऐसी जगह है जहाँ किसी का कोई ध्यान नहीं। बस ये समझो कि राजस्थान के नक्शे में ये गांव है भी या नहीं, ये भी लोगों को पता नहीं। जरा सोचो, अगर यहाँ पे फैक्ट्री लगा दी जाए तो परमिशन की कोई जरूरत नहीं। कुछ भी करो, कुछ भी बनाओ, और तो और मजदूर मुफ्त। लेकिन सरपंच हमें सब क्यों करने देगा? फायदा, पैसा, और कौन नहीं चाहता फायदा और पैसा। सरपंच जी, आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। दवा की फैक्ट्री है और गांव वालों को मुफ्त में दवा मिल जाएगी आपकी वजह से। मसीहा बनने का अच्छा मौका है और ये ऐसा सौदा है जहाँ नुकसान कुछ भी नहीं, बस फायदा ही फायदा है। और भी कुछ फायदे हो सकते हैं, जरा इत्मीनान से मिलिए, समझाते हैं। तो कल से फैक्ट्री के काम में हाथ लगा दे सरपंच जी। है बिल्कुल बिल्कुल। हमें पता था कि फैक्ट्री में जो केमिकल हम यूज करने वाले हैं उससे गांव के लोग बीमार पड़ेंगे ही, इसलिए हमने फ्री में दवा बांटने का नाटक भी किया। गांव वालों को जो दवा हम बांटते थे उसमें पानी भरा होता था। ये बात हमने सरपंच को नहीं बताई थी। फैक्ट्री और बाकी का सब कुछ सरपंच के नाम पर चल रहा था। हमें शक तो था सरपंच की नियत पर, और फिर तभी हम लोगों को इतने कम पैसे। बात तो 50-50 की हुई थी ना? अरे बात हुई थी, कोई लिख के तो नहीं दिया था ना? ये ठीक नहीं है। ठीक लगे तो कर, वरना तंबू बंबू उखाड़ के गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। मैंने सोच लिया था कि इस गांव से सरपंच को उखाड़ फेंकूंगी। फैक्ट्री में धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे। उनकी बीमारी जब लोगों में फैलने लगी तो मैंने ही सरपंच से कहा कि उनको गांव से बाहर निकाल दें, ताकि फैक्ट्री में रात में भी काम करवा के उनसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। और फिर उस रात जब सरपंच ने बीमार गांव वालों को गांव से बाहर झोपड़े में बंद कर दिया था तो मैंने और विनोद ने मिलकर उन्हें जिंदा जला दिया, ताकि सारा इल्जाम सरपंच पर आए। मेहनत हम करें और पैसे वो खा रहा था। अब देखती हूँ सरपंच को, झोपड़ा जलकर राख हो गया है और इन लाशों को उसकी जमीन पर फेंक कर आएंगे। उस दिन विनोद उन डेड बॉडीज को सरपंच की जमीन पर ठिकाने लगाने ही गया था कि वहां केशव आ गया। केशव के निकलते ही विनोद ने उन डेड बॉडीज को सरपंच के डंपिंग एरिया में डंप कर दिया और केशव के आने से पहले ही विनोद वापस ऑफिस आ गया। हमने सोचा था इस मामले में सरपंच को फंसा कर पूरे गांव पर राज करेंगे, लेकिन सरपंच ने बड़ी चालाकी से सारे मामले को तांत्रिक की तरफ मोड़ दिया।
केशव को क्यों गायब कर दिया था तुम लोगों ने? और कौन से लाशें उठ के बोलेंगी कि हमने उन्हें जलाया है? और रही बात सरपंच की, तो कानून को सबूत चाहिए जो वो दे नहीं सकता। केशव, अरे रुक रुक जा रुक। ये तो तुरुप का इक्का है विनोद, इसे तो संभाल कर जिंदा रखते हैं। जरा से पैसों के लालच में तुम लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, इतने सारे मासूम लोगों को बेरहमी से जिंदा जला दिया। इंसानियत को भी शर्म आएगी तुम लोगों पर। कोर्ट से मिलने वाली मौत की सजा बहुत कम है तुम लोगों के जुर्म के सामने। चंद रुपयों के लालच में कई बहुमूल्य जिंदगियों को आग के हवाले कर दिया गया। भिलमल गांव में रहने वालों के लिए गरीबी और भुखमरी एक बहुत बड़ी समस्या थी और उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाया सरला और सरपंच ने। केशव के साहस की वजह से न सिर्फ सरपंच और सरला के तांडव से पर्दा उठा बल्कि कई और लोगों को भी बचाया गया। अगर केशव साहस ना दिखाता तो शायद इन लोगों का भी वही हश्र होता जो बाकियों का हुआ। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।